बिहार की एक विधानसभा के कुछ गांव की है, ताकि हम समझ सके कि किस तरह से जो जातिगत समीकरण है वह काम कर रहे हैं, और खास तौर से जो जनता के मुद्दे हैं और सरकार का जो एजेंडा है उसे किस तरह से बिहार का मतदाता देख रहा है। इसके लिए हमने रुख किया डुमरांव विधानसभा की ओर। डुमरांव विधानसभा में भाकपा माले के प्रत्याशी हैं, जो बहुत ही युवा नेता हैं, अजीत कुशवाहा वह और अंजुम आरा हैं जनता दल यू की तरफ से प्रत्याशी। ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये बहुत ही मिक्स्ड पॉपुलेशन है, अलग अलग गांव हैं, यहाँ पर गांव के समीकरण अलग अलग हैं। इसलिए सबसे पहले हम पहुँचे डुमरांव, भोजपुर और फिर चौगाई। इसके बाद जहाँ पर ये प्रत्याशी चुनाव प्रचार कर रहे थे, जो भाकपा माले के प्रत्याशी हैं, हम वहाँ पहुँचे और अलग अलग लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि किस तरह से चुनाव को वे देख समझ रहे हैं और अगर वोट करेंगे तो किन मुद्दों पे वोट करेंगे। जी, ये बताएं कि बहुत कम उम्र है आपकी विधानसभा चुनाव के लिए। लोग बोल रहे हैं जो दूसरे तरफ के विपक्षी हैं कि उनका बहुत अनुभव है, कैसे आप देखते हैं इस बात को? नहीं नहीं, अनुभव उनका क्या है, उनका अनुभव तो यही है कि इतने दिन से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेकिन आज तक विधानसभा में डुमरांव के किसी सवाल को नहीं उठाया, डुमरांव के किसी भी सवाल को उन्होंने संबोधित नहीं किया, एड्रेस नहीं किया। उनका जो है यही अनुभव है। हमारा अनुभव 15 सालों का है। हम विश्वविद्यालय से ही BA 1 में जब थे उसी समय से हम छात्र युवाओं के सवालों पर लड़ रहे हैं, छात्र आंदोलन में हम हैं, तो हमारा अनुभव आंदोलनों का, संघर्षों का, लड़ाइयों का और जनता के मुद्दों को समझने का अनुभव है। और मैं समझता हूँ कि राजनीति में ये अनुभव बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ये बताएं कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है इसे आप कैसे देख रहे हैं और ख़ास तौर से क्या मुद्दे हैं? यहाँ पर मुद्दा है कि पलटू राम नीतीश कुमार को हराना है और तेजस्वी सरकार को बनाना है। महागठबंधन की जीत है और यहाँ डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन के प्रत्याशी बहुत आगे चल रहे हैं, उनकी जीत सुनिश्चित है। चुनाव हो रहा है, इसमें क्या सीन दिख रहा है? कौन है यहाँ से उनके पक्ष में क्या क्या बात है? विकास का बात कर रही हूँ। आपको क्या क्या फायदा हुआ है 15 साल में? बिजली सब क्या बात कर रहे हैं? अभी तो जो दबंग जातियाँ हैं, ठाकुर हैं, बाकी लोग हैं, वो तो महागठबंधन को वोट नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं, तो जितने पिछड़ी अल्पसंख्यक हैं वो सब जो है हम लोग के साथ हैं, सब तेजस्वी के साथ हैं। अब पलटू राम को देखना नहीं चाहता है, क्योंकि कभी दल बदल के इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, जिधर चप्पा मिलेगा उधर जाते हैं और घोटाला पर घोटाला घोटाला कर रहे हैं और कहते हैं कि बहुत ईमानदार है। तो जब इनका सत्ता हटेगा तब ना पता चलेगा कितना बड़ा ईमानदार है इनका पता। भाजपा का क्या होगा? भाजपा का जहाँ तक सवाल है कि भाजपा ने चिराग पासवान के बारे में चुप्पी साधे हुए हैं, इससे लोगों में भ्रम है कि नीतीश को हटाने के लिए ही उनके पीछे उनको खड़ा किया है और नीतीश को हटाना वो भी चाहता है। मतलब ये लोग सोच रहे हैं कि चिराग पासवान को आगे करके नीतीश का सफाया भाजपा करना चाहते हैं। नीतीश का सफाया भाजपा करना चाहती है। तो चिराग का कितना मिलेगा? चिराग का 20-25 सीट मिलेगा। 20-25 सीट तो भी काफ़ी है। हाँ काफ़ी है। आप कितना कमा रहे हैं? बिहार में जो चुनाव है इसका एजेंडा क्या आपको लगता है कि क्या आप लोग एक एजेंडा सेट कर पाए हैं महागठबंधन की तरफ से? खास तौर से अभी मोदी जी की और रैलियां होनी हैं और लोगों को भरोसा है कि उसके बाद महागठबंधन के जो पक्ष में माहौल है वो थोड़ा सा बदल सकता है। देखिए, मोदी जी के रैलियों में वो बात नहीं रही जो 2014 के पहले हुआ करती थी। अभी हमारे बगल में ही सासाराम में उनकी रैली हुई है, कल ही या परसों शायद, लेकिन कोई चर्चा इस पूरे इलाके में मोदी जी की रैली की नहीं है, कोई उनका नाम नहीं ले रहा है। और अब तो जब मोदी जी का कार्यक्रम होता है तो लोग देखने से ज़्यादा डिसलाइक करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए वो बात नहीं रहा। दूसरी बात एजेंडा सेट करने का है तो हाँ, एक बात ज़रूर है कि एजेंडा सेट हुआ है, वो एजेंडा रोजगार का एजेंडा, बड़ा एजेंडा। हम लोग हमारे कैंपेन में आप देखिएगा
तो युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब यह चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं रह गया है बल्कि रोजगार के लिए आंदोलन हो गया है। जब भी हम कैंपेन करते हैं तो नौजवान सामने हो जाते हैं, नौजवान रोजगार के सवाल पर नारे लगाते हैं, तो ये चुनाव आंदोलन में तब्दील हो गया है। बिहार के ये चुनाव इसलिए भी खास है कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार बार बार लालू यादव के काल का हवा खड़ा कर रहे हैं और इस आधार पर जो दबंग जातियां हैं उनका ध्रुवीकरण करने की पूरी कोशिश हो रही है। यह बताया जा रहा है कि अगर वापस बहुजन की सत्ता वापस आ जाएगी, अगर ओबीसी लीडरशिप वापस आ जाएगी तो उनके हाथ से सिर्फ नेतृत्व ही नहीं बाकी और तमाम जो सुख सुविधाएं उन्हें मिली हैं पिछले 15 सालों में वो चली जाएंगी। और इसमें महादलित का कार्ड जो नीतीश अभी तक खेलते रहे हैं वह बहुत हाशिए पे चला गया है। और इसी के साथ दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि चिराग पासवान का कार्ड, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग समझ रहे हैं कि चिराग पासवान के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर भाजपा का है, मोदी का है, उसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं। बिहार की धरती में इस समय इतने गठबंधन अलग अलग ढंग से काम कर रहे हैं, उनके जो समीकरण हैं, जातिगत समीकरण है, बाकी समीकरण है, वह इस समय चुनाव को बहुत ही दिलचस्प बना रहे हैं। चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? चुनाव में देख रहे हैं कि गठबंधन महागठबंधन दो तरह की यहाँ चर्चा चल रही है, जिसमें गठबंधन भाजपा नीतीश कुमार का है बिहार में, जिसमें कि महागठबंधन अभी आगे चल रहा है और महागठबंधन के प्रत्याशी राजू सिंह अभी आगे आगे चल रहे हैं, संभवतः इनका विजयी। लेकिन ये जो पूरा इलाका है डुमराव से लेकर यहाँ तक और खासतौर से आप चौगाई के हैं, चौगाई तो ठाकुरों का गांव है, हाँ, तो कौन लोग इनको वोट देंगे फिर? यहाँ के जितने बैकवर्ड क्लास के दलित महादलित यादव और अन्य अन्य जाति जो हैं वो बक्तमाले से जुड़े हुए हैं और तेजस्वी के देकर के यादव जो लोग हैं यहाँ के वो लोग भी महागठबंधन के देखते हुए भक्तमाले का वोटिंग कर रहे हैं, जिससे लगता है कि हमारा भक्तमाले उम्मीदवार विजयी। जो पासवान खड़े हैं चिराग पासवान जी, तो क्या पासवान के वोट बटेंगे? पासवान के वोट पासवान जाति से नहीं, जाति व्यक्ति विशेष पर चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ गठबंधन और महागठबंधन। और उपेंद्र कुशवाहा, उनका भी एक है ओवैसी, उपेंद्र कुशवाहा इस इलाके में है क्या उनका कुछ? ओवैसी का तो नहीं है लेकिन जाति विशेष पर यहाँ के उम्मीदवार हैं ठाकुर, जैसे यहाँ से डुमराव के महाराज के नातिन भी लड़ रहे हैं। उसमें ऐसा है कि ये क्लास के लोगों में उनमें बट रहा है। ये जो आंदोलन है और जो जातिगत समीकरण है दोनों के बीच में कैसे आप तालमेल बैठाएंगे? बिल्कुल, जातिगत समीकरण जो है अब ये उस तरह का नहीं है। इस बार जातिगत समीकरण टूट रहे हैं और जातियों के बीच की जो खाई थी वो खत्म हो रही है। खास तौर पे जो युवा पीढ़ी है वो इन चीज़ों को समझ रहे हैं, क्योंकि सबको रेलवे में नौकरी चाहिए। यहाँ सब मैक्सिमम लोग निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मेडिकल कर सकें, MBBS कर सकें, वो BTEC करके इंजीनियर बन सकें, उनके लिए एकमात्र साधन रेलवे थी या जो सरकारी नौकरियाँ छोटी छोटी नौकरियाँ थी वही थी। अगर ये सारी नौकरियाँ खत्म हो जाएंगी जैसा कि किया जा रहा है रेल को बेच करके और तमाम संस्थानों को बेच करके, तो उनको मालूम है कि उनके सामने उनका भविष्य जो है वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए भविष्य को बचाने की लड़ाई शुरू हुई है और नौजवानों के अंदर जो जातीय समीकरण था वो इस चुनाव में तो मुझे नहीं दिख रहा। विधानसभा से मानवर ये अजीत सिंह कुशवाहा जी यहाँ से निकल रहे हैं, उनको हमने गौतम बुद्ध को खीर दान, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था खीर खाने के लिए, उनको खीर खिलाया गया ताकि उनको खीर खाए, तो यहाँ से मान के चलिए बुद्ध के शरण में आ गए, तो उनका कल्याण ही कल्याण है, वो एकदम जीतेंगे ही तो जीतेंगे, ना का सवाल नहीं है। मेरा आशीर्वाद है, उनको साधुवाद दे रहे हैं, तेजस्वी जी को भी साधुवाद दे रहे हैं, तो यहाँ के जल्द से जल्द वो CM बन जाए। चुनाव जो है देखिए, ये कोरोना जो है ना BJP के भी साथ साथ डुबा दिया। नीतीश तो पतन हुए गए मेरे बिहार से, कोई नहीं बचा सकता है नीतीश को, ये मेरा संकल्प है
और मेरा आवाज है पूरे बिहार में, ये मेरा अपना। नीतीश के क्या है, नहीं कुछ नहीं, कोरोना नाम पर तो ये लोगों ने थोड़ी अब विशेष क्या बोलेंगे, लेकिन नीतीश को तो पता है। अभी तक जितना आपने चुनाव प्रचार किया, इसने आपको क्या सिखाया? चुनाव प्रचार ने हमें बहुत कुछ सिखाया, और ये चुनाव प्रचार जो चुनाव है हमारे लिए, ख़ास तौर पे हमारे जैसे लोगों के लिए जो हम लोग अक्सर आंदोलनों में होते हैं, जनता के इशू पे लड़ते हैं, हमारे लिए है कि चुनाव एक बड़ा मौका देता है जब हम बड़े लोगों को एड्रेस कर पाते हैं जो हम समझते हैं सोचते हैं। तो इस चुनाव ने मुझे खुद को भी और अपने एजेंडे को भी, जिसको लेकर के मैं 14-15 सालों से लड़ रहा हूँ, उसको जनता के बीच में एड्रेस करने का मौका है, और इससे मुझे आत्मविश्वास बढ़ा है। और मुझे लगता है कि जो हम लोग सोचते हैं जिस तरीके का समाज बनाने का, वो संभव है, लेकिन उसके लिए सही प्लेटफॉर्म और सही समय होना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि यह वक्त है जब एक तरफ संविधान को बर्बाद करने वाले लोग हैं, एक तरफ लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोग हैं, एक तरफ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि दलितों और आदिवासियों की आवाज़ उठे, उनको जेल में बंद किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इस देश की जनता है, जमहूरियत है, लोकतंत्र है, संविधान है। तो संविधान को बचाने की लड़ाई है, और इस लेवल पर लड़ाई पहुँच रही है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा नौकरी है। हम लोग जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, जहाँ से मैं आता हूँ, अगर हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो हम कोई व्यवसाय भी नहीं कर पाएंगे। जैसे मोदी जी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो मान लीजिए मैंने बीए किया, मैंने ऐसे पीएचडी कर लिया है, और मुझे कोई व्यवसाय करना है, मान लीजिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे आत्मनिर्भर बनना है, तो मैं मान लीजिए कि कोई मछली पालन करना चाहता हूँ, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, कौन देगा? बैंक लोन देता नहीं है। लोन देने के मामले में बैंक की स्थिति बहुत खराब है, घोषणाएं तो बहुत हैं मुद्रा लोन से लेकर कई तरह के लोन, लेकिन ये सब मिलते नहीं। इसलिए हमारे सामने एक ही मात्र रास्ता है, वो है सरकारी नौकरी। हम घर का भी काम कर सकते हैं, कुछ खेती वती भी कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो हम रेलवे के ग्रुप डी में जा सकते हैं, हम TTCC की नौकरी कर सकते हैं। उसके लिए कोई पैसे वाला सर्टिफिकेट नहीं लगता, उसके लिए बीएड नहीं लगता, उसके लिए बीटेक नहीं लगता, उसके लिए बीबीएस की सर्टिफिकेट नहीं लगती। तो ये हमारे जैसे नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियाँ ही एकमात्र उम्मीद है। ये खत्म हो जाएंगी तो हमारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। भाकपा माले ने इस बार नौजवानों पर बहुत भरोसा जताया है। जो 19 उम्मीदवार हैं उसमें नौजवान, और वो भी बहुत ही दूसरी पृष्ठभूमि से आए नौजवान हैं, तो इससे कुछ खास मैसेज पार्टी दे रही है? नहीं, पार्टी जो है हमेशा ही वो नौजवानों को तरजीह देती रही है, अक्सर तरजीह देती रही है। और चूंकि इस बार का चुनाव बड़ा चुनाव है, महागठबंधन में चुनाव चला, तो इसको कवरेज ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए मीडिया को लग रहा है कि इस बार नौजवानों को ज़्यादा टिकट दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं, अक्सर ही ये पार्टी जो है नौजवानों को प्रमोट करती है। तो ज़्यादा नौजवान, हाँ ज़्यादा ही नौजवान है, और हमेशा ही होते हैं, अगर 100 लड़ेगा तो 60-70 नौजवान लड़ जाते हैं, तो इस तरीके से हमेशा ही रहा इस बार भी। इसने क्या ग्राउंड पे कुछ चेंज किया है, क्या लगता है आपको? नहीं बिल्कुल, लोगों को मालूम है कि जो यूथ है उसके अंदर ताकत होता है, उसके अंदर उम्मीदें होती हैं और संभावनाएं होती हैं, और पार्टी उन्हीं संभावनाओं को तलाश रही है, और वो समझ रही है कि ये जो यूथ के अंदर का जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल अभी सोसाइटी को चेंज करने में लगा है, इसलिए पार्टी ने। एक आखिरी चीज़, आप इतने गांव घूम रहे हैं, शहर घूम रहे हैं, तमाम जगहों पर जा रहे हैं, मोदी और नीतीश के खिलाफ क्या एक एक बातें आपको जो सब जगह सुनाई दी, अगर आप क्योंकि आप छात्र रहे हैं, PhD आपने की है। नीतीश के खिलाफ तो एक बात स्पष्ट है कि लोग चाहते हैं कि हर हाल में नीतीश को हटा दिया जाए, क्योंकि नीतीश ने समाज के तमाम तबकों को परेशान किया है, चाहे वो रसोईया की बहाली करके उनको परेशान करना हो, शिक्षकों को परेशान करना हो, या नौजवानों को परेशान करना हो। इसलिए हर हाल में नौजवान या यहाँ के लोग चाहते हैं कि अब बदल जाना चाहिए, बहुत हो गया। मोदी के बारे में यह है कि मोदी जी सिर्फ भाषण देते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं। लेकिन क्या एंटी मोदी लोग बोल रहे हैं या अभी नहीं? हाँ नहीं, खुल के बोल रहे हैं, पूरा ये इलेक्शन ही एंटी मोदी और एंटी नीतीश बोल रहे हैं। मोदी के खिलाफ वोकल है? बिल्कुल है वोकल, बिल्कुल वोकल है मोदी के खिलाफ। मोदी के खिलाफ हाँ हाँ है। यहाँ पे योगी भी आए हैं, योगी का नहीं चलेगा। देखिए जब हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये वामपंथ की बहुत उर्वर जमीन है। यहाँ कॉमरेड सूरज प्रसाद MLA हुआ करते थे, कॉमरेड तेज नारायण सिंह यादव हमारे साथ हैं, कंपनी दो बार के MP हैं, नागेंद्रनाथ ओझा जी हैं, वो भी MP रहे हैं। तो ये वामपंथ और सामाजिक न्याय की धरती है, तो यहाँ के लोगों को लग रहा है कि नहीं, एक बार फिर जो है वो दौर आने वाला है जब सामाजिक न्याय की बात होगी। तो यहाँ तो काफ़ी लोग एक्टिव हैं और वो मोदी को समझते हैं ठीक तरीके से। आशुतोष कुमार पांडे जी, आप यहाँ पर इस समय चुनाव प्रचार, चुनाव देख रहे हैं, आप वाम समर्थक हैं, क्या खास बदलाव इस समय दिखाई दे रहा है आपको इन चुनाव में? इन चुनाव में सबसे बड़ा बदलाव है कि इस बार सभी पार्टियां हमारे जो मुद्दे हमने जो सेट किए हैं, शिक्षा का सवाल हो, स्वास्थ्य का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, या कृषि का सवाल हो, उसी मुद्दे पर सभी लोग बोल रहे हैं और उसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नई तरह की नोटबंदी हुई, GST हुई, उसके बाद नई शिक्षा नीति जो लागू हुई, और उसके बाद जो कृषि बिल 3 अध्यादेश ला करके आपातकाल में,
कोरोना में भारत सरकार की असली तस्वीर सामने आ गई कि वो तो क्या लोग इन पर वोट देंगे लग तो रहा है। गांव में अलग अलग जाने गांव में जाने पर लोगों से बात तकरीबन कितने गांव में गए होंगे? मैं कम से कम 50 गांव का गली गली दौरा कर चुका हूं। यहां इस विधानसभा में कुल 158 गांव हैं, 35 पंचायत हैं। उन 158 गांव और 35 पंचायतों और 4 ब्लॉक में और 462 बूथ हैं। तो गांव में गली गली में जाने पर तस्वीर कुछ बदल रही है, लोग तस्वीर बदल रही है, सवाल उठा रहे हैं। नए लोग जो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के जमाने की सरकार की बातें करते हैं कि वो जंगल राज था, तो नए जो सवर्ण युवा हैं वो कहते हैं कि हमने तो देखा नहीं है, हमने भुगता नहीं है, तो हम देखेंगे नई बात क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसे आजमाएंगे। अब 15-15 साल नहीं 5-5 साल की सरकारें रहेगी। 68 गांव में रात में जिस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव प्रचार अंतिम दौर में चल रहा है, और यहाँ पर जिस तरह से अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग एकजुट हुए हैं बदलाव की बयार को तेज करने के लिए, वह निश्चित तौर पर बहुत मानी खेज है।